करते हैं अगली खबर का, दिल्ली से जुड़ी हुई खबर का। दरअसल दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो शराब नीति का जिक्र बार बार आता है, लेकिन ईडी अब एक्शन में दिखाई दे रही है। ईडी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 40 ठिकानों पर, देश के कई राज्यों में 40 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो जेल में बंद हैं, ईडी ने जिन्हें गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है। तो महत्वपूर्ण दिन आज ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई। देखिए, शराब नीति पर पूरे देश भर में लगातार बवाल जारी है। देखिए तस्वीरें आप, ये छापेमारी की तस्वीर देश के तमाम हिस्सों में कुछ इसी तरह से चल रही है, चाहे हैदराबाद हो या बेंगलुरु या कर्नाटक। लेकिन ये देखिए सत्येंद्र जैन इस समय जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद लगातार जो पूछताछ का दौर जारी है। हमारा मकसद यही है बताने का कि आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह के से रडार पर हैं और आम आदमी पार्टी खुद भी सवालों के घेरे में। ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि शराब को लेकर के तो सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है और एक बार फिर से उनसे पूछताछ हो रही है। ईडी ने आज फिर चलाया है सर्च ऑपरेशन भी। देखिए, वही अगर बात करें ईडी के साथ ही साथ और पंजाब, बेंगलुरु, हैदराबाद, नालोर, चेन्नई में जहां पर छापेमारी चल रही है शराब नीति को लेकर, आपने देखा होगा देश के तमाम हिस्सों में पहले भी ये छापेमारी होती आई है, लेकिन आज कई जगहों पर छापेमारी और आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ भी, और करीब 40 लोकेशन पर कई राज्यों की रेड ये इस समय जारी है कुंदन। लेकिन साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा जा रहा कि सीबीआई इस रेड को कंडक्ट कर रही है या ईडी कर रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सत्येंद्र जैन से तो पूछताछ हो रही है। सत्येंद्र जैन से टीम पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंची है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। तो कुल मिलाकर के सत्येंद्र जैन की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उन्हें जमानत नहीं मिली है और उनसे अब एक और मामले में पूछताछ शुरू हुई है, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर। तो जी फिलहाल सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। नमित, ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखिए प्रदर्शन का तो दौर जारी है आम आदमी पार्टी की तरफ से इन सभी मामलों को लेकर, लेकिन देश के किस किस हिस्सों में छापेमारी और सत्येंद्र जैन से जो पूछताछ लगातार की जा रही है वो अभी कहां तक पहुंची है? नमित, देखिए फिलहाल आज सुबह जो है सत्येंद्र जैन के जो, क्योंकि वो तिहाड़ जेल में बंद है और ईडी की एक टीम उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची है, जो नई शराब नीति के ऊपर जो सीबीआई की जो मामला दर्ज हुआ है उस मामले में। क्योंकि कल ही अगर हम बात करें राव सेवनी कोर्ट में जो स्पेशल जज हैं गीतांजलि गोयल, उनसे सीबीआई ने अर्जी दाखिल की थी कि हम सत्येंद्र जैन से शराब नीति से रिलेटेड कुछ सवाल करना चाहते हैं। उसके बाद गीतांजलि गोयल ने उनको इजाज़त दी थी और 3 जो डेट हैं वो डिसाइड की गई है। आज का तारीख है 16 सितंबर, उसके बाद 22 सितंबर और 23 सितंबर, यानी कि 3 दिन तक ईडी की जो टीम है वो सत्येंद्र जैन से पूछताछ करेगी। हालांकि सत्येंद्र जैन से पूछताछ करने से पहले ही सुबह के वक्त तकरीबन 10 और 11 बजे के बीच में ईडी ने पूरे देश के अंदर तकरीबन 40 ऐसे ठिकानों पर छापेमारी की है जहां पर शराब नीति से रिलेटेड जो लोग थे वो पाए गए हैं। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, इन जगहों पर भी छापेमारी की गई है। लेकिन 12 बजे के आसपास जो है ईडी की एक टीम तिहाड़ जेल के अंदर पहुंची थी। हालांकि अभी भी जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जो तिहाड़ जेल के अंदर ईडी की टीम है वो लगातार सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर रही है, क्योंकि सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे उस वक्त जब दिल्ली के अंदर जो नई शराब नीति थी वो बनाई गई थी। तो ऐसे में ईडी ये जानना चाह रही है कि जब नई शराब नीति बनाई गई थी, क्या उसके अंदर सत्येंद्र जैन का भी कोई क्या हस्तक्षेप था, या फिर जो जिन लोगों के खिलाफ अब तक 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उनसे सत्येंद्र जैन का क्या संपर्क है? बिल्कुल नमित, देखिए ईडी लगातार छापेमारी पर छापेमारी कर रही है। 6 सितंबर को भी इस पूरे संबंध में छापेमारी की गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी साफ तौर पर यह कहकर के मुकर जाती है कि सबूत क्या मिला, हासिल क्या हुआ, जब हासिल कुछ नहीं हुआ तो आखिरकार ये छापेमारी क्यों, क्या किसी भी तरीके की कोई जानकारी या कोर्ट को कोई जानकारी दी गई है ईडी की तरफ से कि आखिरकार इन छापेमारी के बाद किस तरीके से तार जुड़ रहे हैं और फिर से आज 6 राज्यों के अंदर 40 जगहों पर छापेमारी। देखिए अभी कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है। उन्होंने भी ये कहा था कि देश को आगे लाने के लिए केंद्र सरकार या बीजेपी कुछ नहीं करती है, लेकिन रोजाना नई नई जगहों पर ईडी और सीबीआई के छापेमारी जो है वो केंद्र सरकार करा रही है और सरकारी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन कल जो बीजेपी की तरफ से स्टिंग जारी किया गया था उसके बाद मनीष सिसोदिया ने खुद ये बोला था कि मेरे घर पर सीबीआई का छापा लगा, वहां पर कुछ नहीं मिला, लोकर की जांच हुई वहां पर कुछ नहीं मिला। और अब उन्होंने चुनौती दी है कि
सोमवार तक सीबीआई इस स्टिंग की जांच करे और अगर इस स्टिंग में थोड़ी सी भी सच्चाई मिलती है तो मुझे गिरफ्तार करे, अन्यथा अगर ये स्टिंग झूठा पाया जाता है तो बीजेपी स्वीकार करे कि वो लगातार रोजाना नए स्टिंग जो है ये झूठे हैं, सारे फर्जी हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्टिंग की पॉलिटिक्स है वो भी जो बीजेपी कर रही है उस पर भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो चाहते हैं कि सीबीआई इन स्टिंग की भी जांच करे और जो नई शराब नीति है उसकी खुलकर जांच होनी चाहिए। अमित, दरअसल ईडी जानना क्या चाहती है, सत्येंद्र जैन की भूमिका और जो आरोपी बनाए गए हैं उनसे कनेक्शन से जानना चाहती है, या फिर ईडी को ऐसा लगता है कि चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग में पहले से वो गिरफ्तार हैं और न्यायिक हिरासत में, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईडी को इसके इतर में कुछ लगता है कि क्या किस शराब नीति में, शराब की पॉलिसी बनाने में उनका भी कहीं रोल है, और जो कथित तौर पर पैसे के लेन देन की बात कही गई है, अपने करीबियों को ठेके देने की बात कही गई है, उसमें भी कुछ संलिप्तता ईडी को ऐसा लग रहा है कि सत्येंद्र जैन की भी हो सकती है। देखिए कुंदन, सत्येंद्र जैन पर पहले से ही ऑलरेडी कोलकाता की एक शेल कंपनी जो है उससे रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उन पर दर्ज है। ऐसे में ईडी ये जानना चाह रही है, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि जब नई शराब नीति बनाई गई थी उस दौरान क्या सत्येंद्र जैन भी उस जो एक कमेटी बनाई गई थी उसमें सम्मिलित थे। इसके अलावा जो 15 लोगों पर FIR की गई है जिसमें समीर महेंद्रू का भी नाम है जो जिनके घर पर भी CBI का छापा लगा था और ईडी की भी रेड हुई थी जो जिनका घर जोरबाग में है, तो ऐसे में जो स्टिंग भी सामने आए, खासतौर पर ईडी जो है वो जो स्टिंग जारी कर रही है बीजेपी उन पर भी ईडी की पैनी नजर है कि उस स्टिंग में जो लोग दावा कर रहे हैं, क्योंकि कल जो स्टिंग जारी किया गया था उसमें अमित कपूर नाम का एक शख्स था जिसका सीबीआई की FIR में 9 नंबर पर उसका जो नाम है वो है, तो ऐसे में उसने जो स्टिंग में ये कहा है कि उस दौरान मनीष सिसोदिया ने अपने करीबियों को शराब के लाइसेंस के जो लाइसेंस थे वो बांटे थे और उसमें कुछ क्लोज जो नाम है वो मनीष सिसोदिया के साथ थे, तो ऐसे में ईडी जानना चाह रही है कि जब उन क्लोज रिश्तेदारों को या मनीष सिसोदिया के करीबियों को शराब के ठेके बांटे गए थे, क्या उसके सामने दे दी गई है मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनौती दे दी गई है, क्या आपको लगता है? तो चलिए शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए।